गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। चलिए हम लोग आज की पॉलिटी क्लास में पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793। लेकिन इसके पहले आइए एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। हरिओम, ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। देखिए, जो हम लोगों की पिछली क्लास थी उस क्लास में भारत के संवैधानिक विकास के इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में विस्तार से बातचीत किया। तो मैं देखो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि रेगुलेटिंग 1773 में यह लिखा गया था कि द कंपनी सेल रिन्यू इट्स चार्टर विद इन 20 ईयर्स। कंपनी अपने चार्टर का 20 वर्षों के बाद उसका नवीनीकरण या रिन्यूअल कराएगी। आपको बता दूं कि जो चार्टर का यहाँ पर मतलब क्या है, चार्टर का मतलब यह है कि देखो कंपनी के लिए एक तो संसद के द्वारा कानून बनाकर दिया गया था 1773 में, फिर 1781 में उसको अमेंडमेंट किया गया था, उसको सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। 1784 में फिर एक नया नियम बना, लेकिन साथ ही साथ कंपनी भारत में जिन सुविधाओं को प्राप्त करती थी वह सुविधाएं या जो कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली थी वह अनुमति एक पत्र के माध्यम से मिला था जो पारित जो जारी किया गया था ब्रिटेन के ताज के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को। इसी को कहते हैं चार्टर, इसी को कहते हैं चार्टर। तो चार्टर का मतलब था कि ऑर्डर या परमिशन गिवन बाय द क्राउन। मैं आपको बता दूं कि यह जो चार्टर था इस चार्टर को भी समय समय पर रिन्यू करके उसका नवीनीकरण करके कंपनी के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो व्यापार कर रही थी उसके जो अनुबंध थी उस अनुबंध या उन शर्तों को जो है वो परिवर्तित किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए जो 31 दिसंबर 1600 को चार्टर था उस चार्टर में कंपनी को सिर्फ 15 साल के लिए ही व्यापार का अधिकार दिया गया था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में। बट इन 1609 न्यू चार्टर वॉज इश्यूड एंड इन दैट चार्टर कंपनी वॉज गिवन मोनोपोली फॉर द नेक्स्ट नोटिस। कंपनी को यह कहा गया कि जब तक आपको अगली सूचना नहीं दी जाती तब तक आप भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ में व्यापारिक क्षेत्र में आपका एकाधिकार बना रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कंपनी पहले क्या थी, एक टेम्पररी प्रकार की कंपनी थी। इस कंपनी को 1657 में एक चार्टर के माध्यम से परमानेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बना दिया गया था और 1661 में कई छोटे छोटे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और भी थी उन सबको मिला करके एक बड़ी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई थी। और 1683 में कंपनी को अधिकार दिया गया कि चाहे तो वह क्षेत्र को जीत सकती है, चाहे तो वह आर्मी रख सकती है। कहने का मतलब यह है कि समय समय पर उसका जो चार्टर था उसका रिन्यूअल होता रहा। तो 1793 के जो चार्टर का रिन्यूअल हुआ है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बातें की गई। आइए पढ़ते हैं आज की क्लास में 1793 का आपका चार्टर अधिनियम। तो यहां पे आ गया आपका यह आपका आ गया चार्टर एक्ट 1793, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1793। अब देखो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो आपको देखो बताना मैं चाहूंगा कि जब कोई भी नया नियम बनता है, कोई भी हम व्यवस्था को बदलते हैं, तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए जो प्रेरक तत्व होते हैं वह यह होता है कि हमने पिछले समय बार में जो भी काम किया उसमें हमें क्या गलतियां समझ में आई, क्या प्रॉब्लम समझ में आए। तो मैं आपको बता दूं कि देखो जो चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो चाहे वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, दोनों नियमों में एक बहुत बड़ी कमी थी। और कमी यह थी कि इन स्पाइट ऑफ गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ कंपनी इन इंडिया बट बिफोर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही वाज हेल्पलेस। निश्चित रूप से गवर्नर जनरल कंपनी की ओर से भारत का सबसे बड़ा आदमी था, भारत में वो सबसे मुख्य था, लेकिन जब कार्यकारिणी परिषद की बात आती थी तो कार्यकारिणी परिषद के सामने उसकी जो शक्ति थी वह कुछ भी नहीं थी, वह शक्ति विहीन था।
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजंस ऑन एनी मैटर वेयर टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और पहले सबसे पहले जो निर्णय था वह कार्यकारिणी परिषद को ही बहुमत के आधार पर लेना था, और यदि वहां पर बहुमत जब जब कहीं नहीं जब वहां पर जो है बात बराबरी पर छूट जाती, टाई हो जाता, तो सिर्फ गवर्नर जनरल को अधिकार था कि आप अपना निर्णायक मत दे करके, और वहाँ पे उससे जो है फैसला हो जाएगा कि आप कि किधर की तरफ मेजोरिटी हो गई है। तो कहने मतलब है कि जब तक कार्यकारिणी परिषद में कोई मामले को लेकर के जब तक बराबरी की बात नहीं होती, तब तक गवर्नर जनरल को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर चेंज क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पावर या उसकी शक्ति को बढ़ाया गया। आप पूछोगे सर जी कैसे बढ़ाया गया, तो देखो सबसे पहला बताऊँ आपको कि चार्टर 1793 में सबसे पहली जो बात है वो यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल का गवर्नर जनरल या राज्यपाल, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल या राज्यपाल है, इस बंगाल के गवर्नर जनरल या राज्यपाल को एक अधिकार दिया गया, जिस अधिकार को कहते हैं वीटो पावर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारिणी परिषद में उसे निषेध करने का अधिकार दिया गया उसे दिया गया निषेधाधिकार। अब आप पूछोगे ये क्या मामला है सर, तो मैं आपको इसको बताता हूं। देखो वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आई प्रोहिबिट, मैं मना करता हूं। तो यहाँ पे वीटो शब्द तो प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है अब कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को बदलने की क्षमता रखेगा। मतलब गवर्नर जनरल वाज गिवन पावर टू ओवरराइड डिसीजंस टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय को बदलने का अधिकार दे दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपका यह हो गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि की गई क्योंकि उसको दिया गया निषेधाधिकार। आपकी परीक्षा में जब आएगा कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को पहली बार वीटो पावर दिया गया कार्यकारिणी परिषद में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट। अब आइए हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। अब इसका जो देखो पॉइंट नंबर टू है, देखिए सब गवर्नर जनरल और गवर्नर की बात होती एक साथ में, तो गवर्नर्स निश्चित रूप से 1784 के एक्ट के माध्यम से पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे, चाहे वो मामला आंतरिक हो चाहे मामला बाह्य हो। बट इन द स्फीयर ऑफ द स्टेट प्रोविंसेस दे वेयर इंडिपेंडेंट, लेकिन जब राज्य की बात होती तो राज्य के मामले में उनको एक प्रकार से स्वतंत्रता दी गई थी। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि जब कभी भी बंगाल के गवर्नर जनरल किसी भी प्रांत में यदि वह विजिट करते हैं जाते हैं तो उनको यह अधिकार होगा कि वहां के गवर्नर के द्वारा लिए गए निर्णय को वो बदल सकते हैं। तो यहां पर एक बात और मैं करना चाहूंगा कि गवर्नर जनरल की शक्ति को और इसमें बढ़ाया गया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है इसलिए मैं इसको नोट डाउन आपके लिए नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ आपके लिए सूचना के रूप में थी। नंबर तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वह यह है कि देखो 1784 में एक प्रावधान किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें एक व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, जिस व्यक्ति का आपको कहा जाएगा चीफ कमांडर, अर्थात जो मुख्य सेनापति होगा उसको भी यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, मुख्य सेनापति को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि यह जो अनिवार्यता है इसकी समाप्ति कर दी गई चार्टर एक्ट के माध्यम से। कहने मतलब यह है कि नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमांडर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी, जो मुख्य सेनापति है उसको कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने की जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई। इसका मतलब यह है कि नाउ इट वॉज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर जनरल आइदर टू इंक्लूड चीफ कमांडर और नॉट, कि वह मुख्य सेनापति को कार्यकारिणी में शामिल करे या शामिल न करे। तो यहाँ पर अगला क्या हो गया कि जो मुख्य सेनापति है जो मुख्य सेनापति है
तो मुख्य सेनापति को कार्यकारिणी परिषद या जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल है कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। तो ये आपका हो गया अगला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि वीटो पावर दिया गया आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और दूसरा यह कहा गया कि गवर्नर जनरल के इच्छा पर होगा कि वह कार्यकारिणी परिषद में मुख्य सेनापति को शामिल करें या उसको शामिल न करें, शामिल करें या उनको शामिल न करें। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि द चीफ इट वॉज नाउ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर जनरल टू इंक्लूड चीफ कमांडर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो कार्यकारिणी परिषद में शामिल करने की बात तक जो है यहाँ पे समाप्ति कर दी गई। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो मैं यहां पे आपको बताऊं कि जो यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल था नियंत्रक मंडल के लोग, तो नियंत्रक मंडल के लोग में आप जानते हो कि सरकारी लोग होते थे, मतलब एक तो भारत नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य होते थे, इसमें एक चीफ सेक्रेटरी था, एक वहां का वित्त मंत्री होता था ब्रिटेन का, और 4 होते थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य, और साथ ही साथ उनके बहुत सारे कर्मचारी होते थे। तो ब्रिटेन की सरकार का यह कहना था कि सिंस दे आर वर्किंग फॉर द इंडिया, चूंकि ये कंपनी भारत के लिए काम कर रहे हैं इसलिए इनका वेतन अब कंपनी के खजाने से ही दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दे वर ओनली वर्किंग फॉर द पार्ट टाइम, वो केवल कुछ समय के लिए काम करते थे, और इस प्रकार से उनका जो खर्चा है यह भारत के खजाने पर ला दिया जाना यह भारत के लिए न्याय की बात थी। और आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इनजस्टिस वॉज डन विद द कॉफर ऑफ इंडिया अंटिल 1919। भारत के का जो खजाना है उस खजाने के साथ में ब्रिटेन की सरकार 1919 तक इस अन्याय को करती रही। तो यहां पर अगला पॉइंट यह हो गया कि जो नियंत्रक मंडल है अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो जो नियंत्रक मंडल है तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों का जो वेतन है, सदस्यों का वेतन अब भारत के खजाने से देने का प्रावधान किया गया। अब यह कहा गया उनको जो वेतन है यह भारत के खजाने से दिया जाएगा। तो आपको यहां पर आपने देखा 3 पॉइंट हो गए। पहला यह है कि वीटो पावर ऑफ द गवर्नर जनरल वाज गिवन, गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। नंबर टू नाउ इट वॉज नॉट ऑब्लिगेटरी टू इंक्लूड चीफ कमांडर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मुख्य सेनापति को जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें शामिल करने की बाध्यता जो है वो समाप्त कर दी गई। और नंबर 3 नाउ बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ्स वेयर टू बी पेड फ्रॉम द एक्सचेकर ऑफ इंडिया, और ये कहा गया कि अब उनका जो वेतन है वो भारत के खजाने से ही दिया जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी थे उनका वेतन बढ़ाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, आपको जैसा कि याद होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि द इंक्रीज ऑफ देयर पेमेंट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर देम, लेकिन जो उनका वेतन की वृद्धि की गई वह वेतन की वृद्धि उनके लिए संतोषजनक नहीं थी। परिणाम यह हुआ कि वो बार बार ब्रिटेन की सरकार से मांग करते थे कि हमारा निजी व्यापार बंद करके आपने जो वेतन बढ़ाया वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, इससे हमारा गुजारा ठीक से होता नहीं। तो एक प्रकार से कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों में अपने वेतन को लेकर के एक असंतोष का भाव था, अतः वो चाहते थे कि उनके लिए प्राइवेट ट्रेड जो है फिर से खोल दिया जाए। तो इस पर ब्रिटेन के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस पर विचार किया और अंत में निर्णय हुआ कि फिर से उन्हें जो कंपनी के कर्मचारी है और अधिकारी हैं उनको फिर से व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए, लेकिन एक लिमिट के साथ। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगला पॉइंट आपका जो नंबर 4 है,
वो यह है कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुनः पुनः निजी व्यापार का मतलब हो गया प्राइवेट ट्रेड, पुनः निजी व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। दे वेयर गिवेन अनुमति प्राप्त हो गई, तो दे वेयर गिवेन परमिशन टू स्टार्ट देयर प्राइवेट ट्रेड अगेन। उनको यह कहा गया कि वो अपना निजी व्यापार जो है, इस निजी व्यापार को फिर से आरंभ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीमा लगाई गई थी और वह सीमा यह थी कि वह 1 साल में 3,000 टन से अधिक जो है माल का व्यापार नहीं कर पाएंगे। 3,000 टन यहाँ पर जो है उनके लिए लिमिट लगा दी गई थी। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, जो कंपनी के लोग हैं वो भारत के साथ में कंपनी के लिए व्यापार तो करते थे, लेकिन वे अपने हितों को सबसे ऊपर रखते थे। और यही कारण है कि बहुत मोटा खजाना लेकर के यहाँ से, बहुत मोटा मोटी रकम बना करके वो यहाँ से जाते थे, समय समय पर जाते थे यहाँ से, और वो पैसा वहाँ पर रख करके और आ करके फिर अपना काम शुरू कर देते थे। तो इसको कैसे रोका जाए कि वे वहाँ से, कोई भी भारत से वो पैसा लेकर के ना पाए, तो यहाँ पर एक देखो नया प्रावधान किया गया। और प्रावधान यह किया गया कि जब भारत से कंपनी के बड़े अधिकारी, चाहे वो भारत के गवर्नर जनरल, सॉरी वो बंगाल के गवर्नर जनरल हो, चाहे वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर हो, चाहे मुख्य सेनापति हो या कोई अन्य बड़ा पदाधिकारी, जब वो भारत छोड़ेगा तो इसका इसके बारे में वो सूचना देगा ब्रिटेन की सरकार को। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास एंड चीफ कमांडर डिपार्ट फ्रॉम इंडिया, दे मस्ट इन्फॉर्म टू द ब्रिटिश ऑफिशियल, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटेन की सरकार को बताएंगे कि भारत छोड़ रहे हैं। तो भारत छोड़ने के पहले अब उनके लिए अनिवार्य हो गया कि वे इसके बारे में बताएं। तो मतलब यह हो गया कि नो ऑफिशियल्स, ऑफिसर्स मतलब यहां पर हायर ऑफिसर्स है कि नो हायर ऑफिसर्स कुड डिपार्ट फ्रॉम इंडिया विदाउट परमिटिंग, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की सरकार से जब तक उनको अनुमति नहीं मिलेगी वे भारत छोड़ करके नहीं जा सकते, ऐसा इसमें किया गया प्रावधान। नेक्स्ट मैं बताऊं कि कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से बहुत अधिक कर्ज ले रखा था, 14,00,000 पाउंड का उसके ऊपर कर्ज था, और यह कर्ज जो है वह दिन प्रतिदिन कर्ज का जो ब्याज वगैरह है उसके कारण से बढ़ता चला जा रहा था। तो यहाँ पर एक प्रावधान किया गया कि कंपनी सेविंग पर कॉन्सेंट्रेट करे, कंपनी से कहा गया कि वह बचत करे और उस बचत में से 5,00,000 पाउंड वह कर्जे को चुकाने में खर्च करे, और दूसरी बात है कि 5,00,000 पाउंड जो है वह शेयर धारकों को डिविडेंड या उनका जो लाभांश है उसको देने में खर्च करे। तो कंपनी वाज इनकरेज टू सेव सम मनी, कंपनी से कहा गया कि आप अधिकांश पैसे जो है वो युद्ध में खर्च करते हो, तो आपको सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पर पैसे को बचाओ और कम से कम उसका जो 5,00,000 आपका पाउंड है वह आप कंपनी जो कर्ज ली है उस कर्ज को चुकाने में खर्च किया जाए, और 5,00,000 जो पाउंड है वो शेयर धारकों के लिए रखा जाए, शेयर धारकों का जो डिविडेंड लाभांश हो वो 8% से लेकर 10% के बीच में हो। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए, आप कभी भी किसी भी देश में जाते हो या किसी भी संगठन में जुड़ते हो, बट इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। यदि आप किसी भी व्यवस्था में जाते हो और व्यवस्था के आप सहभागी होते हो, तो उस व्यवस्था के बारे में या उसके वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी नहीं है और अच्छी जानकारी नहीं है, तो आप वहाँ पर व्यवस्था सही से बना नहीं पाओगे।
गवर्नर जनरल या गवर्नर या मुख्य चीफ कमांडर जो भारत आए, अगर वो नए लोग हों तो कैसे वो यहाँ की व्यवस्था को सही से परिचालित कर पाएंगे। तो एक नया प्रावधान इसमें जोड़ दिया गया और वह नया प्रावधान यह जोड़ा गया कि आगे से जब कभी भी या तो गवर्नर जनरल या गवर्नर या फिर चीफ कमांडर इनकी नियुक्ति होगी तो इनकी नियुक्ति की एक शर्त यह होगी कि कम से कम भारत में उनका निवास 12 साल रहा हो। इफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट्स चीफ कमांडर गवर्नर जनरल और गवर्नर्स, इट वाज एसेंशियल दैट दे should appoint the person who have passed at least 12 year in India, जिसने कम से कम 12 वर्ष भारत में बिताया हो, सिर्फ उसी का अपॉइंटमेंट किया जाए और बाकी बात अगर उसने कम समय व्यतीत किया भारत में तो ऐसे लोगों को अपॉइंटमेंट यहाँ पर न दिया जाए। और आगे यह भी कह दिया गया कि दिस प्रोविजन आर ओनली फॉर 20 years, ये जो प्रावधान है यह 20 साल के लिए, 20 साल के बाद फिर कंपनी के लिए कंपनी को अपने चार्टर का नवीनीकरण कराना पड़ेगा और ये 20 साल 1813 में। तो एक बार वंस अगेन आई वुड लाइक टू समराइज ऑल दिस थिंग्स। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों ने क्या बातचीत की कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ ट्रेडिंग बॉडी विच केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ ब्राइट कैरियर। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय थी जो भारत में अपने बेहतर भविष्य की तलाश में आई। बट एज टाइम रोल्ड बाय द कंपनी रियलाइज दैट इट कूड हैव पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। जैसे समय बीता कंपनी के लोगों ने समझ लिया कि अगर वो चाहें तो थोड़ा सा प्रयास करके भारत में राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि बक्सर और यह परिणाम यह हुआ कि पलासी और बक्सर के युद्ध हुए। इन युद्धों के माध्यम से कंपनी को 1765 में इलाहाबाद की संधि के माध्यम से भारत के बंगाल राज्य में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, जिसको हम लोग दीवानी का अधिकार कहते हैं। लेकिन प्रशासन जो है उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया बल्कि बंगाल के नवाब के पास ही रहा। तो जो बंगाल का शासन है उसके शीर्ष पर दो लोग बैठ गए, जिसको हम लोग ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी प्रकार की सरकार कहते हैं। और दोहरी प्रकार की सरकार की जो कमियां होती है उस कमियों के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो कमी दिखाई दी वह वही थी कि प्रशासन जो है वह निम्नतम स्तर पहुंच गया और इस कारण से ब्रिटेन की संसद को इसमें दखलंदाजी करनी पड़ गई और उसने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना करके दे दिया। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि यह अधिनियम जो है जो ब्रिटिश संसद बना रही है ये 5 साल के लिए। 5 साल बीत गया, 78 आ गया, फिर इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 83 आ गया। और 83 में जब यह डंडास का बिल आया तो पारित हो नहीं पाया था, इस कारण से वहाँ के प्रधानमंत्री विलियम पीट का एक विधेयक पारित आया और विधेयक पारित हो गया जिसका नाम दिया गया पीट इंडिया एक्ट 1784। पीट इंडिया एक्ट जब पारित हुआ तो पीट इंडिया एक्ट जो है अपना काम कर ही रहा था। इसी बीच में यह जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कहा गया था कंपनी को जो चार्टर मिला था पहली बार 31 दिसंबर 1600 को, उस चार्टर का रिन्यूअल समय समय पर किया जाता था। इसी के माध्यम से कंपनी को बहुत सारी कंसेशन से सुविधाएं मिली थी और उसी के माध्यम से उसे भारत में व्यापार करने की अनुमति भी मिली थी। तो इस चार्टर रिन्यूअल होता था तो रिन्यूअल के लिए 1773 के रेगुलेटिंग में लिखा गया था 20 साल का समय होगा और 20 साल आया 1793 में। तो यह कंपनी के का जो उसका जो चार्टर था उस चार्टर के नवीनीकरण का समय आ गया। अब आइए मैं बताता हूँ इसमें कि इसके मेन प्रोविजंस देखो क्या क्या किए गए। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, इससे आपको एकदम बिल्कुल जो चैप्टर है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर वन में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज गिवेन वीटो पावर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बंगाल के गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद में निषेधाधिकार मिल गया, मतलब कार्यकारिणी परिषद की जो बातें थी जो कार्यकारिणी परिषद निर्णय थे अब उसको निर्णय को उलटने का अधिकार दे दिया गया। नंबर टू नाउ इट वाज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द गवर्नर जनरल टू अपॉइंट चीफ कमांडर एज ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई कि कार्यकारिणी परिषद में अब वे कंपनी के मुख्य सेनापति को शामिल करें, मतलब उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया, शामिल करना चाहें तो करें और न शामिल करना चाहें तो यहाँ पे उसको शामिल न करें। नंबर तीन, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वी आर नाउ टू बी पेड फ्रॉम द एक्सचेकर ऑफ इंडिया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल का सदस्य थे उनके लिए कहा गया उनका जो वेतन है वह वेतन अब भारत के खजाने से दिया जाएगा। नंबर फोर सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वी आर नाउ री परमिटेड टू स्टार्ट प्राइवेट ट्रेड। जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी थे उनको अनुमति मिल गई कि वे अपना
निजी व्यापार फिर से आरंभ कर सकते हैं। हालांकि इस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध यह लगाया गया कि वे अधिकतम यहाँ पर जो व्यापार कर सकते हैं वो 3,000 टन ही होगा एनुअली, एक साल में 3,000 टन से अधिक वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इफ हायर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी डिपार्ट फ्रॉम इंडिया दे शुड हैव टू टेक परमिशन, दे शुड हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर बड़े अधिकारी जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जैसे कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर, जैसे कि मुख्य सेनापति यदि भारत छोड़ के जा रहे हैं तो उन्हें इसकी सूचना ब्रिटेन की सरकार को देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, यह प्रोविजन कर दिया गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल है या जो गवर्नर्स हैं या फिर जो मुख्य सेनापति है, अगर इनका कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है तो इनके अपॉइंटमेंट में, इनका अपॉइंटमेंट अगर होगा तो इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, इस अपॉइंटमेंट के लिए यह शर्त रखी गई कि उनको कम से कम भारत में 12 साल बिताने होना चाहिए, 12 ईयर रेसिडेंसी वाज इज एसेंशियल। और सबसे बड़ी बात कि यह कहा गया कि कंपनी के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार पर ध्यान दें, व्यापार पर ध्यान दें, वह यहाँ के अंदरूनी राजनीति में भाग न ले। तो इसलिए कहा गया कि दे हैव नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द नेटिव स्टेट्स। जो देसी राज्य हैं, देसी राज्यों के आंतरिक मामलों में उन्हें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। और आगे यह कहा गया कि दिस प्रोविजन आर ओनली फॉर 20 ईयर्स, ये प्रावधान 20 साल के लिए है, 20 साल के बाद कंपनी अपने चार्टर का रिन्यूअल करा दिए। तो यह आगे 1813, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1813 के चार्टर के बारे में बातचीत करेंगे। आइए एक बार हम लोग अपने नेत्रों को बंद करके और भगवान का स्मरण करें। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।